लगातार 4 दिनों से चल रहे धरनास्थल पर पहुंचे अपर कलेक्टर टू प्रभावितों को जल्द राहत दिलाने का दिया आश्वासन। धार जिले के निसरपुर ने पिछले 4 दिनों से सरदार सरोवर बांध में डूबे प्रभावित परिवारों का धरना प्रदर्शन चल रहा। अपनी मांगों को डूब प्रभावितों के साथ सत्तारूढ़ भाजपा के ही जनप्रतिनिधियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिसके बाद आज धरना प्रदर्शन कर रहे डूब प्रभावितों से मिलने धार के अपर कलेक्टर और कुक्षी विधानसभा से पूर्व विधायक मुकाम सिंह किराड़े सहित बीजेपी नेता पहुंचे। उन्होंने यहां डूब प्रभावितों की मांगें सुनी और जल्द इसके मुख्यमंत्री से इसके निराकरण का आश्वासन देते हुए धरना प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की। बताया जा रहा है कि एक दल 25 दिसंबर के बस भोपाल में मुख्यमंत्री से भेंट कर डूब प्रभावितों को 5,80,000 का पैकेज दिलाने का प्रयास करेंगे। कुक्षी से सुनील भिंडे, सीआईडी न्यूज, मध्य प्रदेश। डूब प्रभावितों का 5,80,000 रुपए के लिए और आज ये धरना समाप्त हुआ है, क्या हुआ है, क्या मतलब आश्वासन दिया है? देखिए, सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों की जो समस्याएं हैं, खासकर इसमें 5,80,000 के विशेष पुनर्वास पैकेज की मांग को लेकर, उसमें कुछ जो वंचित लोग हैं जिनको कहना है कि उन्हें पात्रता आती है लेकिन नहीं मिली है, इन सारी शिकायतों को लेकर ये एक धरना प्रदर्शन चल रहा था और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैं आया था। मैंने यहाँ बाकी उनकी जो समस्या है उसको समझने का प्रयास किया है, ज्ञापन लिया है, इसके अलावा कुछ मौका निरीक्षण भी किया है। जो वास्तविकता मुझे समझ में आई है और जो यहाँ से बिंदु मैंने नोट किए हैं आप लोगों के बताए अनुसार, उसको मैं वरिष्ठ मेरे अधिकारी कलेक्टर साहब को जो है अवगत कराऊंगा और फिर जैसा निर्देश होंगे तो कार्रवाई जल्दी से